नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शेर समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है कि 31 मई तक जो है लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। कोविड-19 जो कर्फ्यू था वो जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जिस तरह से आपको बताते चले, लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स हमें आते थे कि आखिरकार जो लॉकडाउन है, अब जो कोरोना कर्फ्यू है, क्या उसे एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं जो बड़ी अपडेट आई है कि 24 मई को जो कोरोना कर्फ्यू खुलना था वो अब नहीं खुलेगा। 24 मई से 31 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया गया। जिस तरह से एलजी सरकार द्वारा काफ़ी बड़ा एक अपडेट जो सामने आया है कि 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया। वहीं आपको बताते चलें, जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस जे के यूटी में लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसी के मद्देनज़र अब कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू जो है अब उन्हें बढ़ाना पड़ा। 31 मई तक सुबह 7 बजे जो है तक जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसमें किस तरह की दुकानें खुलेंगी, किस तरह से सेंशन रहेगी, ये जिला आयुक्त ही जो है बता पाएंगे। उसी वक्त जब ऑर्डर हमारे पास आता है हम उसके बाद ही आपको बताएंगे किस तरह की जो है ऑर्डर्स जो है जिला आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। पर अभी तक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है कि 31 मई तक जो कोरोना कर्फ्यू है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ ही देर पहले एलजी सरकार द्वारा ये अपडेट निकाला गया था कि कोरोना कोविड के केसेस बढ़ने के कारण ये जो निर्णय उन्होंने लेना पड़ा है कि 24 मई से लेकर 31 मई तक कंटिन्यू जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा 31 मई सुबह 7 बजे तक। इसमें आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जो जिलों के अलग अलग जिलों के जो भी जितने भी डीएम हैं उन्हें ये भी कहा गया है कि वो खुद देखेंगे कि अपने किस तरह से जो दुकानें अनुमति देनी है, किस तरह से काम अपने जो है किन किन चीज़ों को अलाउ करना है। और कहीं ना कहीं ये भी बताता चलूँ, लोग जो इस वक्त बाहर आ रहे हैं हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको लाइव भी दिखाया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं सतर्क हो गया था। एडिशनल एसपी द्वारा जो कि नाका लगाकर वायलेशन करने वालों पर चालान काटे जा रहे थे, गाड़ियां सीज की जा रही थी, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। और कहीं ना कहीं अब ये भी बताता चलूँ, किसी को ज़्यादा ही इमरजेंसी कहीं जाने की तो वो जिला आयुक्त से जो है अपना जिला आयुक्त द्वारा जो है अपना कर्फ्यू पास जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं डीसी ऑफिस में। और कहीं ना कहीं अपने पास कर्फ्यू पास ज़रूर रखें, क्योंकि अगर जिस किसी के पास भी कोरोना कर्फ्यू पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अंत में दोबारा बताना चाहूँगा, 24 मई से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया गया है। अंत में अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से इस तरह से अपील करता हूँ, आज भी अपील करूँगा, घरों से बाहर ना आए, SOPs का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें, अगर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।